प्रतापगढ़ में आज रेट अभ्यर्थी बेरोजगार संघ के बैनर तले बेरोजगारों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। संघ की ओर से टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत नॉन टीएसपी क्षेत्र के कर्मचारियों के ट्रांसफर तथा हाल ही में जारी की गई रेट भर्ती में टीएसपी क्षेत्र के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पर सौंपे गए ज्ञापन में मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। रीट अभ्यर्थी बेरोजगार संघ के केसुराम मीणा ने बताया कि हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें टीएसपी क्षेत्र के लिए 1183 पदों पर भर्ती होनी है। यह संख्या टीएसपी क्षेत्र के मुकाबले काफी कम है। ज्ञापन के माध्यम से संघ की ओर से मांग की गई है कि पदों की संख्या कम होने से अभ्यर्थियों में रोष है, इस क्षेत्र के लिए पदों की संख्या 20% की जाए। साथ ही टीएसपी क्षेत्र में लगे हुए नॉन टीएसपी क्षेत्र के राज्य कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाए और रिक्त पदों पर स्थानीय बेरोजगार अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। रीट अभ्यर्थी बेरोजगार संघ प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष केशुराम मीणा, प्रतापगढ़ में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। टीएसपी क्षेत्र में रीट की अभी वैकेंसी आई है, उसमें टीएसपी अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। उसमें टीएसपी में जो पहले वैकेंसी आई उसमें 20-25% सीटें आवंटित होती थी, जो कि वैकेंसी 2022 में वैकेंसी आई है वो केवल और केवल 8% के हिसाब से पद दिए गए। इसमें टीएसपी क्षेत्र के युवाओं और रीट अभ्यर्थियों के साथ काफी आक्रोश और रोष व्याप्त है। अतः माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति में संशोधन कर पद बढ़ाए जाए टीएसपी क्षेत्र में। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करोगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे और आने वाले वित्त वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव होगा, उसमें हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। रीट अभ्यर्थी।